चंडीगढ़ में सरकारी कुर्सी और अधिकारों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। एक आरटीआई के हवाले से बताया गया है कि साल 2015 में पेरिस गए चंडीगढ़ के 3 ब्यूरोक्रेट्स ने यात्रा के लिए पहले से मंजूरी प्राप्त रकम से 40% ज़्यादा खर्च किया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2 अधिकारियों ने खुद ही आदेश जारी कर यात्रा के दौरान हुए अतिरिक्त खर्च को अप्रूवल दे दिया था। अब इस बारे में पता कैसे चला ये भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई एक्ट के जरिए जानकारी मांगी गई थी कि चंडीगढ़ के प्रशासकों ने पिछले 10 सालों में कहां कितनी विदेश यात्राएं की हैं। आवेदन का जवाब आने के बाद पता चला कि पेरिस गए अधिकारियों ने अपनी यात्रा के लिए मिली सुविधाओं को अपग्रेड कर लिया था। इसके तहत ये अधिकारी 5-स्टार होटल छोड़कर रहने के लिए एक लग्जरी प्रॉपर्टी में चले गए थे। अखबार ने बताया कि आरटीआई में यह भी पता चला कि अधिकारियों ने पेरिस में 3 दिन की मीटिंग के लिए वहां 7 दिन बिताए। रिपोर्ट के मुताबिक इस सब के चलते यात्रा में प्रशासन से स्वीकृत की गई राशि से 40% अधिक का खर्च आया। इसके एक महीने बाद 2 अधिकारियों ने इस एक्स्ट्रा खर्च को मंजूरी देने के आदेश भी जारी किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 17 जून 2015 को चंडीगढ़ डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट ली कोर्बुज़िए के काम पर पेरिस में एक बैठक हुई थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के तत्कालीन सलाहकार विजय देव को 6.5 लाख रुपए, गृह सचिव अनुराग अग्रवाल को 5.6 लाख रुपए और पर्सनल सेक्रेटरी विक्रम देवदत्त को 5.7 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। आरटीआई से प्राप्त रिकॉर्ड से पता चला कि 3 आईएएस अधिकारी पेरिस पहुंचने के बाद होटल से शिफ्ट होकर एक महंगी लग्जरी प्रॉपर्टी में चले गए। 12 से 18 जून 2015 तक पेरिस में रहने के दौरान इन्होंने 25 लाख रुपए से भी अधिक खर्च कर डाले, जो मंजूर किए गए खर्च से लगभग 40% अधिक था। रिकॉर्ड के मुताबिक उस यात्रा के लगभग एक महीने बाद चंडीगढ़ की प्रशासन इकाई ने आदेश जारी करते हुए विजय देव द्वारा मूल राशि से अधिक खर्च हुई राशि को मंजूरी दे दी थी। वहीं विजय देव ने भी आदेश जारी करते हुए विक्रम देवदत्त और अनुराग अग्रवाल की यात्रा के लिए खर्च हुई अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी थी। आदेश में कहा गया था कि वास्तविक खर्च के कारण भुगतान के लिए संशोधित हुई राशि को स्वीकृति प्रदान की जाती है। आरटीआई रिकॉर्ड बताते हैं कि 3 आईएएस अधिकारी 5-स्टार से निकलकर जिस लग्जरी होटल से ले रॉयल मुसेउ में शिफ्ट हो गए थे, वहां कमरे का किराया ही लगभग 2 गुना था। इसके चलते विजय देव के लिए जारी की गई खर्च की राशि 4.39 लाख रुपए से बढ़कर 9.10 लाख रुपए हो गई। विजय देव मौजूदा समय में दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्त हैं। वहीं विक्रम देवदत्त एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अनुराग अग्रवाल हरियाणा में मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विजय देव की ओर से संबंधित मामले पर टिप्पणी के लिए कॉल, मैसेज या ईमेल पर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं विक्रम देवदत्त ने कहा कि सभी अप्रूवल संबंधित विभाग की ओर से लिए होंगे और अकोमोडेशन वगैरह के लिए कुछ भी उनकी ओर से नहीं भेजा गया था। अनुराग अग्रवाल ने इस मामले पर ठीक से याद न होने की बात कहते हुए कहा, यह बहुत संभव है कि लोकेशनल इशू के कारण होटल बदला गया हो। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी सुरभि ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।